मॉर्निंग स्टूडेंट्स, साई राम, नमो नमः। आज हम संस्कृत रिवीजन कंटिन्यू करेंगे और साथ में पेपर पैटर्न। दिस इज अवर पार्ट टू ऑफ अवर रिवीजन। हमने लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 4 तक आई थिंक एक्सप्लेन किया, 6, तो हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक एक्सप्लेन किया था। और क्वेश्चन नंबर 1 डिपेंड्स ऑन वर्णमाला, स्वराः, व्यंजनानि, मात्रान्यानम, संयुक्त वर्णाः, ऑल थिंग्स आर इन क्वेश्चन नंबर 1। उसमें से सब क्वेश्चन नंबर 1 में आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 डिपेंड्स ऑन वर्ण विन्यासम एंड वर्ण संयोजनम, मतलब वर्ण विच्छेद एंड वर्ण संयोजनम। दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 2। आफ्टर दैट अवर क्वेश्चन नंबर 3 डिपेंड्स ऑन अवर लेसन नंबर 2, लिंगम वचनम च, लिंग एंड वचन, जेंडर एंड नंबर, उसके ऊपर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 डिपेंड रहेगा। आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 4 दैट डिपेंड्स ऑन शब्द रूपाणी, राम, लता, फल, उसके जैसे चलने वाले कोई भी वर्ड आपको पूछे जा सकते हैं, वो लाइन कंप्लीशन के लिए आएगी। आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 5 कारक विभक्ति, कारक परिचय हो, जो वो कर्ता ने कर्म को, उसके ऊपर डिपेंड है अवर क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ तक हमने लास्ट पीरियड में लिया था। नाउ टुडे क्वेश्चन नंबर 6 से हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 ए, उचित धातु रूपै ही रिक्त स्थानानि पूरयत, फिल इन द ब्लैंक्स विद प्रॉपर फॉर्म ऑफ वर्ब्स। यहाँ पे लट लकार हो जो आपने सीखा है वो आपने यहाँ इसमें करना है। लट लकार की लाइन, कोई भी लाइन आपको पूछी जा सकती है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। आपने प्रथम, मध्यम, उत्तम, ये तीनों लेसन अलग से भी सीखे हैं, उसमें भी ये लाइन कंप्लीशन की स्टडी आपने की हुई है। सो यहाँ पे फर्स्ट लाइन इज प्रथम पुरुष डैश वदत वदंती। इसके लिए मैंने आपको प्रथम पुरुष लट्टाकार के प्रत्यय सिखाए थे, ये टेबल आपने अच्छे से बाय हार्ट करना है। उसके एंडिंग्स क्या है, प्रथम पुरुष एकवचनम अति, प्रथम पुरुष द्विवचनम अतः, प्रथम पुरुष बहुवचनम अंति। दीज आर द एंडिंग्स ऑफ प्रथम पुरुष एकवचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। आफ्टर दैट मध्यम पुरुष में क्या है, असि, अथह, अथ एंडिंग्स, एंड उत्तम पुरुष आमी, आवह, आमह। फिर ये धातु के जो वर्ब फॉर्म्स हम कैसे बनाते हैं, हमने जब लट लकार सीखा तब सीखा हुआ था। फॉर एग्जांपल पठ धातु है तो उसको हम क्या लगाएंगे, प्रथम पुरुष के एंडिंग्स में पठ प्लस अति पठती, पठ प्लस अतः पठतः, एंड पठ प्लस अंति पठंती। सो प्रथम पुरुष की हमारी लाइन क्या हुई, पठती पठतः पठंती। यहाँ पे प्रथम पुरुष की लाइन कंप्लीशन के लिए पूछी है, देखो तो क्या आनी चाहिए, वदति वदतः वदंती। सो अवर आंसर इज वदति। यहाँ पे दिस इज अवर आंसर। ओके, सो उसके लिए आपने ये टेबल्स अच्छे से बाय हार्ट करने हैं, अति अतः अंति। अगर मध्यम पुरुष की लाइन कंप्लीशन को पूछी हुई है, फॉर एग्जांपल पठसी डैश पठथ, तो आप कैसे लिखेंगे, पठसी पठतः पठथ। फॉर एग्जांपल धावसी धावथ डैश, तो धावसी धावथ धावथ। कोई भी लाइन कंप्लीशन के लिए आपको इस क्वेश्चन में आएगी, प्रथम, मध्यम और उत्तम। उत्तम पुरुष के हमारे एंडिंग्स क्या है, आमी, आवह, आमह। फॉर एग्जांपल पठ है तो पठ प्लस आमी पठामी, पठ प्लस आवह पठावह, एंड पठ प्लस आमह पठामह। कोई भी धातु का एक टेबल आप अच्छे से बाहर करके रखिए। फॉर एग्जांपल यही धावलो पठलो, कोई भी तीनों के तीनों लाइंस आपके अच्छे से बाय हार्ट होनी चाहिए, तो आपको कोई भी टेबल की लाइन कंप्लीशन के लिए आई तो आप इजीली लिख पाएंगे। सो क्वेश्चन नंबर 6 डिपेंड्स ऑन धातु रूपई ही, मतलब धातु रूपाणी। धातु रूपाणी में हमारा लट लकार हुआ है तो उसी ऊपर ही प्रथम, मध्यम, उत्तम पुरुष की लाइन कंप्लीशन के लिए आपको क्वेश्चन नंबर 6 में आएंगे। दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 6 ए। तो इसका आंसर क्या आएगा, वदति वदतः वदंती, तो आंसर इज वदति। नाउ अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज 6 बी, उचितानि कर्तृपदानि चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत। दिस डिपेंड्स ऑन योर वाक्य प्रयोग।
प्रथम, मध्यम और उत्तम तीनों पुरुष हमने सीखे। उसके बाद हमने वाक्य प्रयोग ये लेक्चर लिया था, तो तीनों के वाक्य प्रयोग हम मतलब लट लकार के वाक्य प्रयोग कैसे करते हैं वो हमने सीखा था। तो इसके ऊपर ये क्वेश्चन आपका डिपेंड रहेगा। 6B डैश खेलत ये लाइन कौन से पुरुष की है वो पहले हमने पहचाननी है। इसके लिए आपने ये वाला टेबल बाय हार्ट करके रखना है। यहाँ पे प्रत्यय भी है और साथ में सब्जेक्ट्स भी दिए हुए हैं। और एग्जांपल, प्रथम पुरुष के एंडिंग से अति, अतः, अंति, तो उसके सब्जेक्ट्स मैंने क्या पढ़ाए थे आपको, सह, सा, तत् फॉर एकवचनम, तौ और ते फॉर द्विवचनम, और ते, तहा, तानी फॉर बहुवचनम, और ऑल नाउन्स और उनके लिए चलने वाले जो प्रोनाउंस रहते हैं वो हमारे प्रथम पुरुष के सब्जेक्ट्स रहते हैं। वो हमने प्रथम पुरुष जब सीखा तब लिया था। मध्यम पुरुष के सब्जेक्ट्स कौन से रहते हैं, युष्मत् प्रोनाउन की प्रथमा विभक्ति त्वम, युवाम, यूयम, और उत्तम पुरुष उसके सब्जेक्ट से अहम, आवाम, वयम, दिस इज द प्रथमा विभक्ति ऑफ अस्मत् प्रोनाउन, अहम, आवाम, वयम। ये तीनों के तीनों पुरुष के सब्जेक्ट्स भी आपके बाय हार्ट रहेंगे, तो आप ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। बी, उचितानी कर्तृपदानि चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत्। यहाँ पे आपने सब्जेक्ट सिलेक्ट करके लिखना है। तो क्या आंसर आएगा हमारा, डैश खेलथ, खेलथ, अथ एंडिंग इज फॉर मध्यम पुरुष बहुवचनम, अथ। उसका सब्जेक्ट क्या है देखो इस टेबल में, अथ एंडिंग इज फॉर मध्यम पुरुष बहुवचनम। एंडिंग्स अभी वहाँ पे उसका सब्जेक्ट दिया हुआ है यूयम, क्या दिया हुआ है यूयम, तो हम का मीनिंग है यू, यूम मतलब यू बोथ एंड यूयम मतलब यू ऑल। हमारा आंसर क्या आना चाहिए, सो आवर आंसर इज यूयम, यूयम खेलथ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है डैश खेलसी, तो आंसर क्या आएगा, असी एंडिंग्स है और तो फिर वो मध्यम पुरुष एक वचन हो जाएगा, तो उसका आंसर आएगा त्वम। खेलथ विसर्ग दिया है तो क्या आंसर आएगा युवाम, और यहाँ पे खेलथ है तो आंसर आया यूयम। तीनों पुरुष के सब्जेक्ट्स भी आपके बाय हार्ट होने चाहिए, प्रत्यय और उनके सब्जेक्ट्स एक टेबल बाय हार्ट करना है, तो आप वाक्य प्रयोग के सेंटेंसेस इजीली मतलब सॉल्व कर पाएंगे। ओके, नाउ दिस इज अवर लास्ट क्वेश्चन। अभी एक बार मैं आपको पूरी आपकी पेपर पैटर्न बता देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, उचितम उत्तरम चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत्, फिल इन द ब्लैंक्स। वहाँ पे स्वराहा, व्यंजनानि, मात्रान्यानम और संयुक्त वर्णाहा, उसमें से आपको पूछा जाएगा। 2 मार्क्स के लिए 4 क्वेश्चंस आएंगे। आफ्टर दैट योर क्वेश्चन नंबर 2, उचितम विकल्पम चित्वा वर्ण संयोजनम कुरुत, दिस इज ए वर्ण संयोजनम, 1 मार्क। बी, उचितम विकल्पम चित्वा वर्ण विच्छेदम कुरुत, ये भी 1 मार्क के लिए वर्ण विच्छेद करना है। दीज आर अवर 2 क्वेश्चंस। आफ्टर दैट अवर क्वेश्चन नंबर 3A, चित्रम दृष्ट्वा उचितम लिंगम चिनुत, चित्र दिखाया है और अपने नीचे तीनों जेंडर के नाम दिए हुए हैं, वो आपने जेंडर सिलेक्ट करना है। और बी, चित्रम दृष्ट्वा उचितम शब्दम चिनुत, पिक्चर दिया है और वो नीचे उसके वर्ड्स लिखे हैं, आपके कौन सा वर्ड है, फॉर एग्जांपल 2 एलिफेंट्स दिए हैं तो आप लिखेंगे गजव, उसको टिक करेंगे। ओके, पुस्तक दिया है तो पुस्तकम को टिक करेंगे, ऐसे मतलब ये दोनों क्वेश्चन नंबर 3 एंड B डिपेंड्स ऑन लिंगम वचनम च, बोथ आर ऑफ 2 मार्क्स। ओके, आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 4, उचित शब्द रूपई ही रिक्त स्थानानि पूरयत, राम, लता, फल, कोई भी लाइन कंप्लीशन के लिए, राम, लता, फल, तीनों टेबल बाय हार्ट करेंगे। राम की जगह पे गज, बक, ऐसे वर्ड्स कोई भी, गज, अज, कोई भी, नर, अकारांत पुल्लिंग शब्द आपको वहाँ पे आ सकता है। लता की जगह पे माला, रमा, कक्षा, बालिका, छात्रा, वो सब हमने वर्ड्स लिए हुए हैं, कोई भी लाइन कंप्लीशन के लिए आ सकती है। एंड फल की जगह पे वन, जल, पुस्तक, जे भी जो भी आपके नपुंसक लिंगम शब्द रहेंगे उसकी लाइन कंप्लीशन के लिए आ सकती है। सो क्वेश्चन नंबर 4 डिपेंड्स ऑन योर टेबल्स, अकारांत पुल्लिंग शब्द, अकारांत स्त्रीलिंग शब्द एंड अकारांत नपुंसक लिंग शब्द, वो टेबल आपने पूरे बाय हार्ट करने हैं। आफ्टर दैट अवर क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 इज उचितम विभक्तिम चिनुत, विभक्ति कौन सी है वो लिखनी है, कर्ता कारकम डैश विभक्ति ही, आंसर इज
प्रथमा विभक्ति ही, कर्म कारकम डैश विभक्ति ही, द्वितीया विभक्ति ही, आपको नीचे तीन ऑप्शन दिए रहेंगे। ऑल क्वेश्चन आर एमसीक्यू ओनली। और क्वेश्चन नंबर 5B, उचितम चिन्हम चित्वा लिखत। चिन्हम मतलब ने, को, के द्वारा, से के द्वारा, के लिए, वो हमारे चिन्ह है। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैंने लास्ट पीरियड में आपका ये क्वेश्चन लिया था, करण कारकम डैश, तो से के द्वारा, संप्रदान डैश के लिए, कुछ भी, अपादान से अलग होना। चिन्ह आपको नीचे तीन दिए रहेंगे, उसमें से सिलेक्ट करने करके आपने डालना है। दिस इज़ फॉर 1 मार्क। विभक्तिम चिन्हो इज ऑल्सो फॉर 1 मार्क। मतलब क्वेश्चन नंबर 5 डिपेंड्स ऑन कारक परिचय, जो आपका टेबल है कारक परिचय का, वो आपने अच्छे से बाय हार्ट करना है क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 6 ए, अभी लिया हमने उचित धातु रूपे ही रिक्त स्थानानी पूरयत। यहाँ पे धातु रूपाणी लट लकार के टेबल्स, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, वो लाइन कंप्लीशन के लिए आ सकती है। अभी हमने लिया ना, उस मध्यम पुरुष की लाइन ली, वदती नहीं, प्रथम पुरुष की, वदती, वदत, वदंती, कोई भी लाइन कंप्लीशन के लिए आ सकती है। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, लट लकार। आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 6B, वो लाइन कंप्लीशन के लिए जो आने वाली, वो भी आपको 3 मार्क्स, मतलब 3 ऐसे क्वेश्चंस आएंगे लट लकार की लाइन कंप्लीशन। आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 6B, उचितानी कर्तृपदानी चित्वा रिक्त स्थानानी पूरयत। यहाँ पे आपने सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है, वो भी आपको 3 मार्क्स के लिए है। वाक्य प्रयोग जो हमने अभी लिया, तो हम युवाम, यूयम, हमने लिखा अभी यूयम, तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इसके लिए वाक्य प्रयोग के लिए आपने कौन सा टेबल बाय हार्ट करना है, मैंने अभी आपको दिखाया। वाक्य प्रयोग के लिए आपके ये टेबल बाय हार्ट होना चाहिए, आपको उसके ऐसे क्वेश्चंस, सॉरी, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। डैश खेलत, अहम पठामी, तो डैश पठामी, नीचे दिए है अहम, आवाम, वयम, पठामी है तो आप क्या डालेंगे, अहम, पठावह है तो आवाम, पठामह लिखा है तो वयम डालेंगे। फॉर एग्जाम्पल, डैश वदती, नीचे दिया है बालक, बालकौ, बालका, तो बालक वदती, वदत है तो बालकौ वदत, और वदंती दिया है तो बालका वदंती। प्रथम, मध्यम और उत्तम, तीनों के सब्जेक्ट्स भी, और उसके तीनों के एंडिंग्स, तीनों लकार के एंडिंग्स आपने बाय हार्ट करके, लट लकार के तीनों पुरुष के एंडिंग्स बाय हार्ट करके रखने हैं, तो आप ये लास्ट वाला क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर पाएंगे। इस तरह 20 मार्क्स का आपका पेपर एमसीक्यू पैटर्न में रहेगा। सो आई थिंक यू अंडरस्टैंड अप टू दिस प्रॉपरली। आपने अच्छे से स्टडी करनी है। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स। थैंक यू।